भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त। राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे, नाम था रमेश चंद्र। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। वे जब दुकान खोलते, साफ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते। उनका एक पुत्र भी था राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा करता था। वह भी अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता, और चूंकि वह नए जमाने का पढ़ा लिखा नव युवक था, लिहाजा अपने पिता को समझ आता कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। शास्त्र कहता है कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह से रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण देता यह बताने के लिए कि ईश्वर नहीं है। पिता उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुरा कर रह जाते। वे इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया, पिता बूढ़े हो गए थे। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट ही आ गया है। अतः एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए ये ही बहुत है कि तुम एक मेहनती दयालु और सच्चे इंसान हो। परंतु क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटा ने कहा, कहिए ना पिताजी। जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ करना, और दूसरा यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहना मान लेना। पुत्र ने स्वीकृति भर दी। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहकी भी कम हुई। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो ही माँ बच पाएगी। क्या ये दवाई आपके पास है? राकेश ने पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ ये है। लड़का बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर चला गया। परंतु ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो पसीने के मारे बुरा हाल था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। लाइट ना आने की वजह से राकेश ने शीशी काउंटर पर ही रखी रहने दी कि लाइट आने पर वापस सही जगह पर रख देगा। पर जो लड़का दवाई लेने आया था वह अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया, और लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था। हे भगवान, अनायास ही राकेश के मुंह से निकला, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसने अपने पिता की बात याद आई और वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप हैं, यदि आप सचमुच हैं तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो,
प्रभु मत पीने दो भैया। तभी पीछे से आवाज़ आई, भैया कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया, दवा की शीशी भी फूट गई, कृपया आप एक दूसरी शीशी दे दीजिए। भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर राकेश की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आज उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था कि कोई है जो सृष्टि चला रहा है, जिसे कोई खुदा कहता है तो कोई ईश्वर, कोई सर्वव्यापी कहता है तो कोई परमात्मा। प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। जी हाँ दोस्तों, भगवान पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।